नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सूबे में ओमिक्रॉन की आशंका ने उड़ाई सरकार की नींद। प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास कराने के लिए रहना होगा तैयार। मगध यूनिवर्सिटी में कॉपी किताब खरीदने में बड़ी धांधली आई सामने। बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्र से की गई 8 लाख रुपए की ठगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी पुण्यतिथि पर किए गए याद। तो आइए आप जानते हैं खबरें विस्तार से। सूबे में ओमिक्रॉन की आशंका ने उड़ाई सरकार की नींद। दुनिया भर में अपने पाप पसारने के बाद भारत में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तेजी से एंट्री ले ली है और अब इसके आगमन की खबर भर से ही राज्य सरकारों के होश उड़ चुके हैं। इस बीच दुबई से पटना आए दो लोग बीते दिन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के ही संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करवाने की तैयारी में है। तो वहीं इन दोनों संक्रमितों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए IGIMS भेजा गया है, जहां पर रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि ये दोनों नए वेरिएंट से संक्रमित हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि दुबई से दिल्ली आने के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी जांच की गई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं बाद में पटना में जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास कराने के लिए रहना होगा तैयार। नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों पर ही ना पड़े, इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के लिए पहले से ही तैयारी करके रखने को कहा गया है। इसके तहत पटना जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने अभी से ही सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और निदेशकों को निर्देश दिया है। इसके तहत ऑफलाइन क्लास के साथ ही ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। हालांकि गृह विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्कूल अभी ऑफलाइन ही चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी स्टाफ व शिक्षकों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अगर किसी बच्चे की तबीयत जरा भी खराब होती है तो उसके लिए ऑनलाइन का भी सहारा लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB हाल के समय में कई बड़े फैसले लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना है। लॉकडाउन और कोरोना जैसे आपदा में भी समय से परीक्षा लेने से लेकर बेहतर रिजल्ट जारी करने और अब नामांकन पूरा करने तक में बिहार बोर्ड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका परिणाम भी अब दिखने लगा है। इसके तहत पिछले साल की अपेक्षा में इस साल ज्यादा छात्र छात्राओं ने नामांकन कराया है। जानकारी के मुताबिक देश भर के 25 बोर्डों के 1,18,597 छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों में एडमिशन लिया है। इस साल यह नामांकन ऑनलाइन मोड में ही लिया गया था। पिछले साल की तुलना में इस साल 16,000 से ज्यादा छात्रों ने इंटर में नामांकन लिया है। आपको बताते चले कि बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा प्रणाली में बदलाव किए जाने से रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में यह छात्र छात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुण्यतिथि पर किए गए याद। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर राजधानी पटना में भी एक कार्यक्रम का आयोजन पटना हाईकोर्ट के पास किया गया, जहां स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्रीगण भी मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने अंबेडकर जी को याद करते हुए उन्हें नमन किया। आपको बताते चले कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के उत्थान और जातिवाद को खत्म करने के लिए अर्पित की थी, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। मगध यूनिवर्सिटी में कॉपी किताब खरीदने में बड़ी धांधली आई सामने। सूबे के बोधगया में स्थित मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के यहां छापेमारी के बाद से ही सभी यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखकर कॉपी के बाद किताब खरीदने का ब्यौरा मांगा गया है। इस दौरान जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मगध यूनिवर्सिटी में कॉपी और किताब खरीदने में बड़ी धांधली होने का खुलासा हुआ है। इसे लेकर परीक्षा नियंत्रक ने प्रभारी VC को पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि परीक्षा नियंत्रक को जानकारी दिए बिना ही पुस्तकालय की ई बुक खरीद के लिए 1.75 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। इसके भुगतान के लिए फंड का विचलन किया गया है। यह भुगतान 21 नवंबर 2021 को उस दिन किया गया है जब परीक्षा नियंत्रक बेलागंज के महाबोधि कॉलेज व चाकंद के CM जनता कॉलेज में परीक्षा का निरीक्षण करने गए थे। साथ ही यह भी खुलासा किया गया कि सभी फाइलें VC के आवास पर ही रहा करती थी। आयुष्मान भारत योजना में बिहार हुआ फिश अड्डी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना का हाल बिहार में बेहाल है। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में संसद में दिए गए आंकड़ों से हुआ है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्डधारी बिहार के केवल 22 लोगों ने ही इसके तहत इलाज करवाया है, जिससे साफ पता चलता है कि कोरोना काल में इस कार्ड का लाभ अधिकतर मरीजों को नहीं मिल सका है। आपको बताते चले कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज
मुहैया होता है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो बिहार में इस योजना का लाभ ज्यादातर लोगों ने नहीं लिया है। अगले 48 घंटों में बढ़ सकती है ठंड। बिहार के मौसम में इन दिनों उलटफेर जारी है, कभी ठंड तो कभी गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। यही वजह है कि दिसंबर महीना तो आ गया है, लेकिन अब ज्यादा सर्दी का असर सूबे में देखने को नहीं मिल रहा है। दोपहर में धूप की वजह से भी मौसम सर्द नहीं रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो जबाद चक्रवात के खत्म होने के बाद बिहार में सर्दी बढ़ने की संभावना है। इन दिनों पटना का तापमान दिन में 29 डिग्री सेल्सियस तो रात में 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हालांकि अगले 48 घंटों में सर्दी का सितम बढ़ जाएगा। विभाग के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाएगा, तो वहीं 12 दिसंबर से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम हो जाएगा। दिसंबर महीने के पहले जनता दरबार में पहुंचे सैकड़ों फरियादी। आज दिसंबर महीने का पहला जनता दरबार का आयोजन सीएम सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री के सामने विभिन्न जिलों से सैकड़ों फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आज आपराधिक मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान एक महिला पुलिस विभाग के खिलाफ शिकायत लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंची और बताया कि उसके साथ गांव के एक व्यक्ति ने गलत काम करके वीडियो बना लिया। मामले में थाने के आवेदन के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मामले को डीजीपी के पास भेज दिया। बता दें कि आज पहला सोमवार होने के कारण आज गृह राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा, मद निषेध, उत्पाद निबंधन विभाग, निगरानी विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के मामलों का निपटारा किया गया। बिहार पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्र से की गई 8 लाख रुपए की ठगी। आए दिन ठगबाज और शातिर लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का काम करते हैं, और ऐसा ही एक वाकया अब गोपालगंज के एक छात्र से किया गया है। हैरत की बात यह है कि ठगने वाले व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस क्राइम ब्रांच का डीएसपी बताकर ठगी की है, जबकि यह ठग बिहार पुलिस में सिपाही का बेटा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र पटना में रहकर 2019 में निकली सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात ठगबाज एजाज खान उर्फ खुर्शीद आलम से हुई, जो खुद को क्राइम ब्रांच का डीएसपी बताता था। वह पुलिस गाड़ी से सिपाही के साथ आता था और 10 लाख में सिपाही की नौकरी लगाने की बात कहता था। मामले में ठग के सिपाही पिता की भी मिलीभगत है, तो वही पुलिस इस मामले की जांच में अब जुट गई है। पटना स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का खुद का होगा खेल मैदान। राजधानी पटना स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में जल्द ही कैंपस का खुद का खेल मैदान होगा, जो कि 5 एकड़ की जमीन पर बनने वाला है। इसके लिए कृषि विभाग की 5 एकड़ की जमीन कॉलेज को मिलेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार सिंह ने भी कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी को कृषि विभाग की जमीन में से 5 एकड़ जमीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। आपको बताते चले कि अगले साल तिमाही से पहले कैंपस में खेल मैदान बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, तो वहीं इस दौरान कागजी कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 5 साल बाद इस हफ्ते पटना आ सकते हैं शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे का नाम सुनकर अच्छे अच्छे अपराधियों की रूह कांप जाती है, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से उनकी अब एंट्री होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 5 साल के बाद शिवदीप लांडे एक बार फिर से इस हफ्ते को पटना पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वह गृह विभाग में अपनी ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। इसके साथ ही वह वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे। बताते चले कि शिवदीप लांडे पटना सेंट्रल में सिटी एसपी के रूप में अपनी बेहतरीन सेवा दे चुके हैं, जिन्हें बिहार के सिंघम के रूप में भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, शिवदीप लांडे बिहार के अररिया, पूर्णिया और मुंगेर जिले में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। जदयू विधायक ने ही पार्टी सांसद के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार एक्शन में है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक ने ही अपनी ही पार्टी के सांसद के ऊपर शराब बेचने के लेकर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल पर शराब का बड़ा आरोप लगा दिया है। गोपाल मंडल ने अपने बयान में कहा है कि जो ट्रैक्टर पर दारू बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं, वह सांसद है। गोपाल मंडल का यह बयान इस्लामपुर में एक सार्वजनिक सभा में दिया गया है। बता दें कि गोपाल मंडल की पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी है और गोपाल मंडल चुनाव प्रचार के दौरान ही इस्लामपुर पहुंचे थे। मिर्जापुर 2 को मिला एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड। अमेजन ओरिजिनल की सबसे मशहूर और पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर के दूसरे सीजन को उसकी उत्कृष्टता के लिए सम्मान मिला है। वेब सीरीज को सिंगापुर में आयोजित हुए क्रिएटिव एक्सलेंस के लिए एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड एशिया पैसिफिक के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मान मिला है। इस अवार्ड के जरिए APAC क्षेत्र में फिल्म और टेलीविजन उद्योग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया मिर्जापुर एक ब्लॉकबस्टर शो रहा है। इस वेब सीरीज
सीरीज को प्रशंसकों और आलोचकों से बेहद सराहना और प्यार मिला है। तो वहीं वेब सीरीज की जीत बेस्ट ओरिजिनल प्रोग्राम बाय अ स्ट्रीमर और ओटीटी कैटेगरी में हुई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दो मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हरा दिया है। आपको बता दें कि दूसरी पारी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 540 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम मैच के चौथे दिन मात्र 167 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। बता दें कि मैच जीत के साथ ही भारत सीरीज पर 1-0 से अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में फॉलो ऑन नहीं बचा सकी थी, लेकिन भारत ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उचित समझा। पहली पारी में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत ही टीम का स्कोर अच्छा रहा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में नए वेरिएंट के खतरे को देखकर क्या सभी स्कूलों को फिर से बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।